चलते चलते अगर कोई आपको रास्ते में रोक लेता है तो विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान आपके लिए सही है या गलत। ऐसी ही एक घटना लेकर मैं पहुंचा हूं आपके समक्ष। आप देख रहे हैं संसार क्रांति, मैं आपका अपना विक्की इगरा। मैं आपको बताऊंगा कल की एक ऐसी ही घटना जो एक स्कूल टीचर के साथ घट जाती है। जब वह भिवानी हरियाणा बोर्ड से अपने गांव इगरा जा रहा था तो कुछ ज़्यादा समय नहीं था, शाम के 7 बजे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई ज़्यादा समय नहीं था, ना रात के 12 बजे थे, ना ही उससे आगे का टाइम था, लेकिन शाम 7 बजे उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको सुनकर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दो हथियारबंद बदमाशों ने जब उनको बाइक पर चलते हुए रोक लिया तो उन्होंने अपनी बाइक को रोक लिया, और जब उन्होंने उनके साथ हाथापाई की तो बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी जान तो बचाई ही बचाई, साथ में उन्होंने उन दोनों बदमाशों को काबू भी कर लिया। जी हाँ, एक स्कूल अध्यापक ने बहादुरी दिखाते हुए दो बदमाशों को जो कि हथियार से लैस थे उनके ऊपर काबू पा लिया अकेले ही। आइए मैं अब आपको उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ कुछ ऐसी बात। सुनिए गौर से इस वीडियो को और सचेत हो जाइए ऐसे लोगों से, अनजान है उन लोगों से सचेत हो जाइए। कभी भी ऐसे लोगों को लिफ्ट ना दीजिए जिनके ऊपर आपको विश्वास ना हो। तो इस टाइम की आप लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, ये पुलिस स्टेशन बास चौकी की तस्वीर है जहाँ पे एक शख्स के साथ जो दुर्घटना हुई उसका उन्हीं के मुँह से पूछते हैं भाई क्या कुछ उनके साथ वाक्य हुआ और अभी फिलहाल ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं। तो सर आपके साथ क्या वारदात हुई और मतलब बताओ कि क्या हुआ था आपके साथ। मैं भिवानी बोर्ड से स्कूल का कार्य करवा कर अपने गांव इगरा की तरफ जा रहा था, तो 7:30 लगभग 7:30 बजे का टाइम था। बकलाना गांव से आगे कॉलेज है, जो कॉलेज से आगे खंडा खड़ी की तरफ पीछे से दो बाइक सवार आए और बोले आपने तो पीछे एक्सीडेंट कर दिया और इशारा दे के मेरी बाइक रुकवा ली बाकी। अच्छा, तो आप बाइक पे थे? हाँ, मैं बाइक पे था। तो बाइक पे आप कहाँ गए थे? बाइक पे भिवानी बोर्ड में गया था। और फिर वहाँ से कहाँ जा रहे थे? इगरा गाँव में जा रहे थे। इगरा जा रहे थे तो रस्ते में आपको रुकवा लिया? हाँ, रस्ते में रुकवा लिया जी। और बोले आप पे जितने पैसे हैं और वो है वो दो, और उन्होंने खींच के लेके जी मेरे कपड़े पाट गए सारे, तारा में वहाँ खेत में ले गए जी, और ये पीछे से सारी पैंट पाट गई जी, ये कोट पाट गया जी। अच्छा, सारी हाथा में जी जो ये तारा तारा तो पाट गई जी। और फिर थोड़ी देर में एक आदमी था जी जो जी। रखवाली कर रहा था खेतों की गेहूं की, तो 2-3 किलो से वो दूर आ गया, वो बोला एक आदमी आ गया, आदमी आ गए तू छोड़ के बाद ले इसने, तो उसमें मेरा फोन ले गए जी, वह एक जी और कुछ पैसे थे जी 700-800 रुपये वह ले गए। अच्छा, हाँ, और जी फिर मैंने उनका गाफी भर लिए एक आदमी का और गेहूँ हम गेट लिया, वो छोड़ दिया कौन जी, मैंने इतना गांव के आदमी आ गए, और फिर मैं दोनों मौके पर गिरफ्तार करवा दी जी बास थाना में। अच्छा, तो आपने इतनी हिम्मत दिखा दी कि भाई दो बदमाशों को आपने उसमें खेतों में अथपाई के दौरान आपने उनको ऊपर काबू पा लिया। हाँ, गेहूँ हम गेट दिए जी। तो उनके पास कुछ अवैध हथियार या कुछ ऐसी कोई बात थी? हाँ, एक वो छोटा सा पिस्टल ले रहे थे जी, जिन्होंने अड़े मेरे माथा मारा रे के उड़े। अच्छा, तो पिस्टल से आपके ऊपर हमला करेगा? हाँ, वो उन बोला गोली मार देंगे हम तेरे। अच्छा, हाँ जी। तो आपने फिर कैसे जान बचाने की कोशिश करी और कैसे क्या? मैं पहले तो बोल लिया जी, मैं पहले तो नुके माता ने पीछे चाहिए हैं 5,000 चाहिए 4,000 चाहिए मैं दे दूंगा भाई, तब ना मेरा फोन ना खोस हो। तो वो मानने को नहीं, उन्हें मैंने खेता का लेकर मार पिटाई करी उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, तो इतना मैं जब नू हो गया भाई, आदमी नजदीक आ गया 1 किलो दूर, फिर मैंने उनका काफी भर के एक उनमें तो एक बंदा गया और उन्होंने गेहूँ हम गेट लिया छोड़ को नहीं। अच्छा, तो इस वजह तो दूसरा आदमी से टुवाने लग गया उसने, तो इतना गांव के आदमी आ गए 5-4, फिर वहाँ दोनों पकड़ लिया हमने जी। कोई मौके पे मौजूद है अभी जो बचाने वाले थे आपको? मौके पे मौजूद जी एक खंडा का भाई था जो मेरे से पहले उसकी मोटरसाइकिल रुकवाई थी। अच्छा, हाँ, चलो खंडा के लोग थे जी वो घर चले गए, हमें बास थाना में आ गए जी। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ और किस टाइम तक पहुंच गए थे? पुलिस जी 10-15 मिनट के बाद आई थी और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लिख ली और कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया जी। तो दोनों शख्स काबू हैं अभी? हाँ, दोनों पुलिस बास चौकी में फिलहाल पकड़े जा रहे हैं जी। जी, चलो भैया, अब इस टाइम की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो तो दोनों शख्स काबू कर लिए गए हैं अवैध हथियार के साथ। तो वो अवैध हथियार पुलिस प्रशासन के पास है या कहीं? पता नहीं जी, अभी वो बरामद हुआ, उन्होंने वो फेंक दिया था जाड़ों में। अच्छा, जाड़ों में फेंक रखा है? हाँ जी, अभी तक मतलब ये कंफर्म नहीं है पुलिस प्रशासन को। हाँ, वो लेकिन मेरा यो माथा पे मार रखा जी, जाड़ा है, मैं एमएलआर कटवाऊंगा जी अपने नानोंद जी। बिल्कुल, तो इस टाइम की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं भाई, दो बदमाश जो कि सक्रिय थे 2-3 दिन से बकलाना से और
खंडा के बीच में जो वारदात कर रहे थे, अभी आप देख रहे हो फिलहाल की तस्वीरें जहाँ पे मौके पर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए जाते हुए ये लाइव तस्वीर। बताया जा रहा है कि ये दो बदमाश दो तीन दिन से इसी रूट पर काफी लोगों के साथ लूटपाट कर चुके हैं। पुलिस की नजर इन दोनों बदमाशों के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन जब टीचर ने हौसला दिखाया तो इन दोनों बदमाशों को काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो अंकल जी, जो इस टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो यह जाँच चल रही है, और यार जो वारदात हुई थी मास्टर जी अंकल, उसमें आपने तो पाछा दायो मेरे लेनो बोला काका मारे गड़िया बोला मेरे मारे हैं मारे एक दमिश काके मोटरसाइकिल उड़ा दिया। अच्छा, सही आने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों मोटरसाइकिल डाट के यो मर रपटे। अच्छा, डेढ़ लिया। अच्छा, दो बंदे थे वे? दो थे, एक को आपने काबू कर लिया, एक को इन्होंने काबू कर लिया, एक ने मास्टर ने दाब लिया। अच्छा, मास्टर मैंने बोला छोड़िए ना, जो मैं पकड़ दिया रही। बिल्कुल, फिर हमने फोन कर दिए, 112 पर माजी आओ, गांव में बड़ा के बुला लिया माजो भाई। अच्छा, बस फिर वो बालन दिए कौन? तो उनके हाथ में कुछ अपने हथियार वगैरह कुछ ऐसा देखा? मन्ना तो देखा नहीं, मास्टर नो का पिस्टल था। अच्छा, उन तो होगा मन्ना देखा। अच्छा अच्छा, तो आप थे साथ में? नहीं जी, मैं मेरे से पीछे पहले मेरे से अड़बाड़ करी जी उन्हें। अच्छा, आप? हाँ, मैं बर्तनों की फेरी मारू हूँ जी। मेरे साथ मैंने बोले भाई तेरे भांडे पड़ गए। अच्छा, मैंने पीछे बोर्ड के देखा। हाँ, मैं मेरे तो भांडे बन रहे हैं। अच्छा, मैंने पर देखा मैं कोई पड़ भी गया हो, मैंने मंदिर में मोटरसाइकिल कर ली। अच्छा, रोकते मेरे से हाथापाई कर ली। ठीक है, मेरी पहले नंबर चाबी निकाली जी ने। अच्छा, चाबी निकाल के फिर मेरे से हाथा पाई करने लग गए जी। मैं बोला भाई मेरे को मारो ना भाई, मैं अच्छा शुक्रिया, मैं मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, तो मैं मारो ना, बोला कितने रुपए ले रहा है? अच्छा, हाँ भाई तलाशी ले लेके आया, मेरे पास 1000 रुपये है। अच्छा, हाँ मैंने 1000 रुपये ले लिए, फिर मेरी तलाशी ली, तसली नहीं आई जी इनकी। अच्छा, तो इन्हें 1000 रुपये मेरे लेके ने वापिस हो गए जी। तो आपको कुछ हथियार वगैरह दिखाए ना? दिखाया था जी मेरे को। अच्छा, बोला गोली मारूंगा नहीं तो सच्चाई बता दे। अच्छा अच्छा, हाँ ओडे था जी, काला काला हाथ था जी। ठीक है, हाँ मां भाई मारो ना, मैं हाथ जोड़ के इनके आगे खड़ा हो गया, मेरे को मारो ना भाई, अरे पैसे ले जाओ भाई। तो आप इस घटना में किस तरह पहुंचे फिर? फिर मैं यहाँ से पैदल हो लिया जी, मेरी चाबी यो ही ले गए जी खोस के मोटर। अच्छा, चाबी भी यही लेगी? हाँ यो ही ले गए जी। अच्छा, मैं पैदल चल पड़ा जी। ठीक है, मैं जान बच गई, 1000 रुपये तो और कमा लेंगे। जान बच गई। ठीक है, फिर मैं और भी आ रहे थे मेरे गांव के तरफ से रोड पे, माँ भाई बदमाश आ रहे हैं। अच्छा, और पैसे खोसे हैं। अच्छा, पिस्तौल ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई तेल खत्म हो रहेगा, तेल लेने का मारा कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ उनने मतलब कोई रोका नहीं जी। ठीक है, फिर मेरे पीछे 15-20 मिनट के बाद में आए ये मास्टर जी टपके, मेरे को नहीं दिखा, फिर पीछे आ गए, इसके पीछे लगा लिया। अच्छा, फिर मेरा ध्यान ही नहीं करी था जी, मैंने पिछाड़ रखे थे इनकी चादर भी। अच्छा, आपने पहचान कर रखी? हाँ, पिछाड़ कर रखी थी इनकी जी। ठीक है, फिर मैं इनके इसके मास्टर के आगे बराबर में लगा के आगे को मोड़ दी। ठीक है, पीछे से फिर यो खेत में से आ रहा था, एक लठोरी ले रहा था। मैं बोला चाचा जी वो आदमी मार दिया, मेरे भी पीछे खोस लिए और चाबी भी ले गया। अच्छा, और एक आदमी एक मोटरसाइकिल वाला, ये अंकल थे वो? हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, फिर यू आया है, मैं पीछे रह गया, मोटरसाइकिल था जी मेरे पास, यो जल्दी जल्दी आया है, इसने आके छुटाई। बिल्कुल, आपने पूरी वीडियो भी देख ली और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी देखा। अब उन्हीं की रिकॉर्डिंग में एक और सुनाता हूँ जिसमें वो उन दो बदमाशों का खुलासा कर रहे हैं, तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग। और प्रदीप पुत्र मेरे गांव फरमाना तहसील मैम जिला रोहतक, और संदीप बेडवा का है, जो भी बेडवा भी मैम और रोहतक में आता है। ये दो थे जो डकैती मार रहे थे NH 709A पे श्याम को, और अब नानो थाने के अंडर हैं दोनों अपराधी।